दोस्तों नमस्कार। देखिए आप जो धाम देख रहे हैं ये मरी माई का धाम मछली शहर में है जगमारापुर के पास, और यहाँ पे जो है हर मंगलवार को भारी भीड़ होती है जो कि आज कम है। आपको दिखाते हैं, देखिए ये बालक देख रहे हैं, ये सब आए हैं दर्शन करने। ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी चलिए हम बात करते हैं। कहाँ घर पड़े भैया? इनका घर भरसवा है, और आपको मंदिर दिखाते हैं। और देखिए यही मंदिर है, ये मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, और यहाँ आए दिन बहुत भीड़ होती है। और पहले ये मंदिर एक बार भी टूट गया था, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर का हिस्सा टूट गया था, अभी जो है बना है, अब अच्छा लगने लगा है। और आपको दिखाते हैं क्या है, गाड़ी मोटर ज़्यादा चलता रहता है। देखिए पिछले हिस्से पर आ गए हैं, और ये जो है आपको स्तंभ दिख रहा है, स्मृति के द्वार पे बना है। यहाँ पे जो है यह जो है चकमारापुर में पड़ता है, चकमारापुर पड़ता है, और यहाँ पे जो है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को जो है मास्टर साहब श्री पंधारी लाल यादव जी आते हैं यहाँ पर, और साथी लोग आते हैं। यहाँ जो है मालापुर चढ़ता है, राष्ट्रगान होता है, बहुत कुछ होता है। देखिए आपको नीचे बात कराते हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, भक्तगण आए हैं, और आपको बात कराते हैं। देखिए लोग आते हैं और यहाँ पे मन्नत पूरा करते हैं। हाँ भैया देखिए अभी एक भाई साहब मिल गए हैं, तो यहाँ हर मंगलवार को भीड़ रहती बहुत। हाँ तो लगभग कितने साल से आप जानते हैं मन भाई? हाँ तो पहले नहीं हुई, आपने सुना बता रहे भैया कि पैदा नहीं, मतलब बहुत समय पहले से, जिसका कोई 100 साल से डका हुआ है। हमारे पिताजी भी जान रहे थे, हमारे दादा दादी जानते थे यहाँ पर मंदिर है। अच्छा अच्छा, मेरी माता धाम का नाम से मंदिर है यहाँ पर लगभग 100 साल पहले। हाँ। मतलब कोई जानता होता नहीं। हाँ। तो आज के मंदिर नहीं है। हाँ भैया देखिए अभी बताएं भैया कि ये लगभग इनके दादा पिताजी। दोस्तों नमस्कार, देखिए आज हम आए हैं मरी माई धाम मछली शहर में, चक मुबारकपुर पड़ता स्तंभ देख रहे हैं, और हर मंगलवार को यहाँ भारी भीड़ होती है। लेकिन यहाँ पे पानी तो है लेकिन बहुत चीज़ों का अभाव है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग बताते हैं कि सैकड़ों साल पुराना है, और पहले कोई जानता नहीं। तो कुछ ग्रामीण लोग हैं, देखिए हम बातचीत करते हैं। आप देखिए ऐसे आइए, ये पिछला हिस्सा देख रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं जल खाता है, यहाँ नल तो है लेकिन और क्या क्या दिक्कत है आप बताइए। यहाँ पर दिक्कत साहब बाथरूम का है, लेडीज आ रही हैं उनके पास यहाँ बाथरूम एक भी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर लाइट वाइट की जो व्यवस्था था हमने करा दिया हूँ, मंदिर मरी माई धाम के नाम पर अब एक बाथरूम यहाँ बनवाना आज तक बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी उट्टी पटवा करके यहाँ बैठने के लिए पब्लिक के लिए बहुत तकलीफ़ हो रहा है, यहाँ एक छपरा नहीं है साहब। सब पब्लिक आते हैं धूप में, इसे देख रहे हैं आप, सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसको बहुत कृपा किया जाए कि यहाँ पर एक पत्रा का धरवा कर फाउंडेशन करा के कर दिया जाए। और सबसे बड़ा ज़रूरी है, एक बहुत बड़ा आप सहयोग रहेगा, एक बाथरूम दे दीजिए, बाकी आप कुछ दीजिए चाहे मत दीजिए। सही बात, देखिए हाँ। यहाँ पे बता रहे हैं कि बैठने की बहुत दिक्कत है, और जो भी शौचालय की बात की ज़रूरी है, आमतौर पर हर गाँव में यहाँ धाम में देखिए यहाँ सब जगह का आता है, कौन सही सब मड़ियाँ से लेके जौनपुर से लेके और बाद सुजानगंज बादशाहपुर मुस्काबाद जंगई हर दूर दूर के पब्लिक आते हैं, बहुत तकलीफ होता साहब। यहाँ पर खाली बाथरूम नहीं है, आप समझ अपन बात भैया कहाँ उठाए रहा, और प्रधान से सांसद से प्रधान से हम राम कृपाल प्रधान जो थे वर्तमान समय 80 था हमारे यहाँ का मीरपुर ग्राम सभा है कुरमलपुर का प्रधान है राम कृपाल गौतम। अच्छा। उनसे हमने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी अलाउ नहीं है, जब आदेश होगा तब मैं बाथरूम बनवाऊँगा, अब आज तक आप कुछ किए नहीं हो। ये आप मंदिर तो शायद बहुत पुराना है, बहुत पुराना है लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। जब से मैं अपने अंदर मंदिर लिया हूँ आज 1.5 साल से, तब से देखिए आप मंदिर के फोटो भी निकलवा के देख लीजिए, आप वर्तमान समय में देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर कितनी पब्लिक की भीड़ हो रही है आप सोच लीजिए। कभी कभी तो यहाँ जगह नहीं मिलता, लोग
बेचारे खड़े रहते हैं, लोग चढ़ा के कराई जाते हैं उसके बाद। ये सही बात है भैया, देखिए कभी कभी जगह नहीं मिलता। पूरा कम्प्लीट करवा। देखिए दोस्तों, ये ग्रामीण थे और यही इनका निवास स्थान है। ये प्रधान के माध्यम से सांसद के पास। मुबारकपुर है, हमारा नाम अमरनाथ यादव है, पिताजी का नाम रघुनाथ यादव है। तो अभी आप इनसे बात कराते हैं और भी बात कराते हैं, तब तो आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये मंदिर जगह देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और आज तो कम है, नहीं तो जगह होती नहीं और पानी के लिए भी दिक्कत होता है। और इतनी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, देख सकते हैं, और छप्पर की कोई व्यवस्था नहीं है। सोचिए बरसात में कितना दिक्कत होता होगा। और ये ज़मीन जो खाली है बगल में, अगर यहाँ तक कुछ और व्यवस्था हो जाता बढ़िया होता। और बैठने के नाम पे यहाँ भैया कुछ है नहीं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सीढ़ी हो जाता उतरने के लिए। और देखिए ये खेत यहाँ तक है। तो ग्रामीण अभी बात कर रहे तो उन्होंने बताया कि जो है शायद यहाँ तक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ व्यवस्था हो जाता तो आने जाने में कभी दिक्कत नहीं होती। तो हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर का पिछला हिस्सा है। और ये मंदिर अभी जो है टूट गया था एक बार एक्सीडेंट, उसका ऊपरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। देखिए इधर भी साफ़ सफाई उतनी नहीं है, साफ़ सफाई हो जाता तो बढ़िया होता। तो हम सांसद और यहाँ के जो मानिन लोग हैं उनसे हम चाहते हैं कि इस पर मांग उठाएँ। और यह एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे जो है व्यवस्था होनी चाहिए। लोग देखिए मैहर देवी जानते हैं और चौकियाँ, देखिए बड़े बड़े स्थलों पे जो है विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ मंदिर लगभग लगभग बताते हैं 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ बैठने की जगह नहीं है। क्षेत्रवासियों से जो भी मानिंद लोग हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई हो। पहली बात, यहाँ मट्टी पटनी चाहिए, इतना जो है जगह खाली है नीचे तक, बरसात में शायद पानी आ जाता होगा, बुड़ जाता साहब। तो भैया चढ़ाने के लिए कराएगा। तो भाई साहब मिले तो बता रहे हैं कि इन्होंने प्रधान से, सांसद से, बहुत लोगों से मांग किया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सांसद साहब को मैं गया था वहाँ, हाल पे गया था वहाँ पर। अच्छा, SDM साहब का कमल गए साल में, कमल बांट रहे थे वहाँ पर। सांसद साहब से हमने कहा साहब वहाँ पर देखिए आप करा दीजिए कुछ, वो भी नहीं किए कुछ। यहाँ पर कहे कि SDM साहब को दो, फिर कहे कि कोतवाल साहब को दो, फिर CO साहब को दो। वो कुछ सूचना सबको दिया, बोलते उनको दे दो, कोई आया नहीं। आए मोक्ष में गाड़ी वाले मारे थे, टूट गया था। 1.5 साल के बाद तब मैंने हाथ लगाया मंदिर पे, कम से कम नहीं कोई सहारा दे रहा था। 1 रुपया 2 रुपया जो लोग चढ़ाते हैं, मैंने किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया। जो जिसकी इच्छा हो माता जी के दे दीजिए, नहीं देना है तो जाइए आप। कोई चढ़ाने का पूजा पाठ करने के लिए कोई आपत्ति है, मैं नहीं किया जाता। आज देखिए माता जी की दया से और उनकी शक्ति से आज देखिए आज इसमें कैसे मंदिर में बना दिया। मंदिर तो चमक रहा है भैया, लाइट भी लगवा दिया और सामने टाइल्स भी लग गया, नीचे फर्श बन गया। अब नीचे जो दीवार टूटा हुआ है उसमें मैं सोच रहा हूँ कि सीमेंट छुड़ा करके उसमें टाइल्स लगवा दिया जाए और उसके बाद मंदिर कम से कम एक अपने हिंदू धर्म का ये होता है तो माता जी की श्रद्धा सब टेक जाते हैं। कम से कम उनकी छत्रछाया है सब, जो कि आप लोग की कृपा रहेगी, आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ। तो है सौंदर्य, हाँ भीड़ बहुत होती है और दिक्कत बहुत है, और यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए। देखिए जितने नीचे आ गए, सड़क काफ़ी ऊँची है, बरसात में तो पानी डूब जाता है, पानी बढ़ जाता साहब यहाँ तक पूरा पानी बढ़ जाता है। समझिए कि इतना बेकार है, क्योंकि स्थल है, स्थल साफ सफाई भी यहाँ नहीं है उतनी, और लोग आते जाते हैं भाई मजबूर हैं। अरे भाई इतना है साहब, जो पानी बुड़ जाता तो मैं कभी कभी कोई दूर से जो चले जाते चढ़ाने के लिए कराही या पूरी यहाँ चढ़ाते हैं सब। मैं अपने होटल में जाकर उनको वहाँ चढ़वाता हूँ, उसके बाद तब यहाँ के चढ़ाते हैं मंदिर पर। आपके होटल क्या नाम है? रमेश चंद यादव, यादव ढाबा। यादव ढाबा भैया, हाँ। और आप चलाते हैं और आपका घर चकमारापुर में है? हाँ जी। और आप चाहते हैं मंदिर का जगह जो है सुदृढ़ हो, साफ सफाई हो, यहाँ शौचालय की व्यवस्था हो, बहुत जरूरी है, और बैठने की व्यवस्था हो, और छप्पर हो जाए कुछ। छप्पर हो जाए तो सबसे बड़ी कृपा होगी माता जी की, कम से कम लोग आए। कितने रात में आते हैं बेसहारा, मंदिर कहीं हो, कहीं बाबा लोग आते जाते हैं कहे कि सहारा दे दीजिए, तो नहीं कहीं सहारा मिलता है। यहाँ लाइट व्यवस्था नहीं, तो लाइट भी हो गया, अब छत्रछाया कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं अपने होटल में उनको सुला देता हूँ, रात भर वहाँ पड़े रहते हैं, सुबह चाय पानी कराता हूँ, भाई जाइए बाबा जी लोग आ जाते हैं। कभी कभी टूरिस्ट वाले जो बाबा लोग जाते हैं, जैसे इलाहाबाद हुआ, विंध्याचल हुआ, ऐसे लोग जाते हैं तो कभी कभी बाबा लोग फंस जाते हैं,
मजबूरी है कि मैं अपने होटल पर रख लेता हूँ, आपका बाबा जी खाइए पीजिए जो पड़िए यहीं पर सोइए आराम से, एक चौकी भी दे देता हूँ उनको रहने के लिए। अब यहाँ छा रहता तो हम क्या करते हैं होटल पर रखकर उनको, नहीं बहुत तो चलिए मंदिर माता के नाम है वहाँ पर आप लोग बैठिए। भाई साहब देखिए बहुत नेक काम करते हैं और आप लोग इनके मनोबल को बढ़ाइए, उनका एक सपना है यह हमारी माई धाम एकदम सुंदर हो। कुछ नहीं चाहिए भैया, माता जी कम से कम आप लोग को दया दृष्टि रहेगा तो इनको बस कुछ कर दीजिए, बाकी और इनका आशीर्वाद हमें चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपकी बात सांसद तक विधायक तक हर हाल पहुंचाई जाएगी, हो सकता है कोई यहाँ कार्यक्रम कराया जाए सांसद विधायक इसी जगह पे कराइए, हम हमेशा तैयार, हमको खाली सूचना मिलना चाहिए बस कि किस दिन किस टाइम कार्यक्रम हो रहा है, हम पूरे तैयार रहेंगे हर तरह से, माता जी का आशीर्वाद रहेगा। तो ठीक है भैया, आप लोग पंचदीप मौर्या और पंचदीप लोग की चैनल बने रहिए और सभी भक्तों से मांग है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आइए, यहाँ जितना आ सकते हैं भाई आ सकते हैं, माता जी कम से कम सत्यनारायण से प्रसाद लेके जाएंगे और टाइम जिस दिया जाए हमको सूचना किया जाए सर। जी जी, हमारा अमरनाथ यादव नाम है, पिताजी का नाम रघुनाथ, हमारा घर चकवारा पर यादव ढाबा आपको मरी माई के सामने ठीक पड़ा हुआ है सर। तो ठीक है, हम वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली बार जब आएंगे तो कोशिश करेंगे इसको बड़े पैमाने से दिखाएं और ठीक है आप हर मंगल का आप आइए यहाँ पर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।